किसी पर्सन ने नवंबर 2015 को बिटकॉइन में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उस पर्सन के 1 लाख रुपए 1 करोड़ 15 लाख रुपए बन चुके होते, लगभग 115 गुना रिटर्न। आज हम क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड को डिटेल में समझेंगे और समझेंगे कैसे क्रिप्टो करेंसी का प्राइस घटता बढ़ता रहता है और देखेंगे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है। क्रिप्टो करेंसी को बेसिकली आम करेंसी की तरह डिजिटली लेन देन के लिए बनाया गया था। बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था और नवंबर 2019 में 18 मिलियन बिटकॉइन पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेशन में है, जिनकी वैल्यू 146 बिलियन डॉलर थी। बिटकॉइन की सक्सेस को देखकर और भी काफी सारी क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं, जिन्हें ऑल्ट कॉइन कहते हैं। ऑल्ट कॉइन का बेसिकली मतलब है अल्टरनेटिव कॉइन्स। जनवरी 2021 में 4000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेशन में आ गई हैं, जिसमें बिटकॉइन के बाद टॉप 3 पर हैं लिटकॉइन, इथेरियम और रिपल जैसी क्रिप्टो करेंसीज। तो अब सवाल उठता है कि क्रिप्टो करेंसीज कैसे शुरू हुई। 18 अगस्त 2008 को गूगल पर एक डोमेन bitcoin.org रजिस्टर हुई। 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो नाम के एक पर्सन ने या ग्रुप ने अनाउंस किया कि हम इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से पीयर टू पीयर होगा, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक ट्रांजेक्शन डायरेक्टली होगी, कोई भी थर्ड पार्टी बीच में नहीं आएगी और ना ही दखल देगी। जैसे आप अपने बैंक से किसी और को पैसे सेंड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पैसे सेंड नहीं कर सकते, पहले आपका सिग्नल बैंक के पास जाता है कि मैं अपने पैसे सेंड करना चाहता हूँ, फिर बैंक आपके पैसे को सेंड कर देता है जहाँ आप चाहते हैं। पर क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसमें दो लोगों के बीच में सीधे ट्रांजेक्शन होती है। और जब सतोशी नाकामोटो ने ये पेपर अनाउंस किया तभी से क्रिप्टो करेंसीज को लेकर बहुत बड़ा क्रेज शुरू हो गया था। जैसे यूएस के डॉलर को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है और इंडिया के रुपी को आरबीआई कंट्रोल करता है, लेकिन बिटकॉइन और दूसरे ऑल्टकॉइन को कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। ये बिटकॉइन को बनाने का वन ऑफ द मोस्ट रीजन में से एक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के क्रिप्टो करेंसी में आज करोड़ों में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग होती है? तो ये सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो पाया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डाटाबेस का स्पेसिफिक टाइप है। वर्ल्ड में जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी से जुड़े होते हैं उन सबके कंप्यूटर में एक लेजर अकाउंट होता है, और दुनिया में कहीं भी क्रिप्टो करेंसीज में कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो सभी लेजर अकाउंट में वो रिकॉर्ड होगी। और जब कोई भी एक ब्लॉक इन्फॉर्मेशन से भर जाता है तो वो ब्लॉक ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है, और जैसे जैसे इस ब्लॉकचेन में ब्लॉक जुड़ते जाएंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। नवंबर 2020 को इस ब्लॉकचेन में लगभग 656,000 प्लस ब्लॉक्स जुड़ चुके हैं और ये ब्लॉक्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जुड़ते हैं। एक बार कोई भी ट्रांजेक्शन इस ब्लॉकचेन में आ जाती है तो वो ट्रांजेक्शन हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती है और बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है उस ट्रांजेक्शन को डिलीट करना या साफ करना। अगर कोई पर्सन अपने बिटकॉइन कहीं ट्रांसफर करना चाहता है तो पहले वो ट्रांजेक्शन सर्कुलेशन में सभी कंप्यूटर के लेजर में रिकॉर्ड होगी, फिर सुपर पावरफुल कंप्यूटर को परमुटेशन और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, और ऐसा कंप्यूटर 10 मिनट तक करते हैं। आप सोच ही सकते हैं कि जब सुपर पावरफुल कंप्यूटर को इक्वेशन सॉल्व करने में 10 मिनट लग जाते हैं तो ये इक्वेशन ह्यूमन के लिए सॉल्व करना नामुमकिन के बराबर होगा। जब कंप्यूटर ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं फिर वो इन्फॉर्मेशन एक ब्लॉक में एंटर होती है, उसके बाद ब्लॉक ब्लॉकचेन से जुड़ता है, तब कहीं जाके एक ट्रांजेक्शन पूरी होती है, और ये सब प्रोसेस एक मैथमेटिकल कोड में होता है जिसे इंक्रिप्शन कहते हैं। और ये डिजिटल इंक्रिप्शन प्रोसेस प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मैसेजेस और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में यूज होता है। तभी आपने कभी व्हाट्सएप के चैट सेक्शन में ये मैसेज पढ़ा होगा, मैसेज एंड कॉल आर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। मतलब व्हाट्सएप ये कहना चाहता है कि आप जो मैसेज सेंड करते हैं वो एक मैथमेटिकल कोड में हमारे पास आता है, और आप जिस पर्सन को ये मैसेज सेंड करना चाहते हैं उसे हम ये कोड सेंड करते हैं, लेकिन वो पर्सन कोड के बजाय आपका मैसेज पढ़ता है। और मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, मैं ना ही व्हाट्सएप के साथ हूँ, मैं ना ही व्हाट्सएप के खिलाफ हूँ, मैं ना ही व्हाट्सएप को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं ना ही व्हाट्सएप का क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, और मैं ये सब कुछ व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी अपडेट आने की वजह से कह रहा हूँ। आपको पता है किसी भी ऑल्टकॉइन या बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता घटता कैसे है? ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें डिमांड और सप्लाई के बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल का हाथ है। इसे हम एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। आप और 5 पर्सन एक कमरे में बंद हैं, आपके पास कुछ फल हैं और उन 5 पर्सन को भूख लग रही है, तो वो 5 आपको बोलते हैं कि ये फल हमें बेच दो। फिर आप बोलते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही भूख मिटाने के लिए फल हैं, मेरे पास ज़्यादा फल नहीं है। फिर वो 5 आपके फल की बोली लगाएंगे। पहला पर्सन बोलेगा मैं 100 रुपये दूंगा, दूसरा पर्सन बोलेगा मैं 200 रुपये दूंगा, फिर तीसरा पर्सन बोलेगा मैं 300 रुपये दूंगा। ऐसे करते करते आपके फल बहुत महंगे हो जाएंगे और आपके फलों की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि किसी भी चीज़ की मार्केट में अगर कम सप्लाई है तो मार्केट में उसकी मांग यानी कि डिमांड और उस चीज़ का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा।
और वहीं अगर मार्केट में किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है तो मार्केट में उसकी डिमांड और उस चीज का प्राइस कम हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन है, जिसमें से 18 मिलियन बिटकॉइन माइन किए जा चुके हैं, यानी कि 18 मिलियन बिटकॉइन खोदे जा चुके हैं। बिटकॉइन की माइनिंग हाई पावर कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जैसे इक्वेशंस और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करके की जाती है, जिस इक्वेशन की पावर करोड़ों तक पहुंच जाती है। बिटकॉइन को नंबरों की गहराइयों से खोदकर निकाला जाता है और बिटकॉइन की माइनिंग करने में कंप्यूटर को काफी समय लग जाता है और काफी समय तक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब जाके एक बिटकॉइन की खोज होती है। तो अब सवाल उठता है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैं आप में से कुछ या ज्यादातर लोगों से कहना चाहूंगा, ठहरिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब क्रिप्टो करेंसी